हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ शलगम की सब्जी। शलगम विंटर सीजन में ही मिलता है। ये सब्जी बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और मसाले भी ज़्यादा नहीं डालने पड़ते। इस सब्जी का एक यूनिक टेस्ट है। शलगम में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें कैल्शियम भी बहुत मिलता है। मैं हूँ इंदु और ये रेसिपी मैं बिल्कुल अपने स्टाइल से बनाऊँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए है आधा किलो शलगम, जो साइज़ में काफ़ी छोटे हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा दिख रही है। आप शलगम को छिलकों के साथ भी बना सकते हैं और बिना छिलकों के भी। मैं शलगम की सब्जी को बिना छिलके के ही बना रही हूँ। शलगम का अपना एक यूनिक टेस्ट है, पर अगर आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो इसकी बात ही क्या है। शलगम को मैंने वेजीज की तरह काटे हैं और इसके स्लाइस को मोटा रखा है ताकि पकने पर ये टूटे नहीं। अब शलगम सारे कट चुके हैं तो हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आप इस सब्जी को सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटी हुई प्याज और साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो चुकी है और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हींग। अब हम हींग को भी मिला लेंगे। अब प्याज यहाँ पे हल्के ब्राउन हो गई है तो इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ कटे हुए शलगम। ऐसा करने से अदरक लहसुन का सारा फ्लेवर शलगम में आ जाएगा। और इस सब्जी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए सब्जी को चला भी लेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है तो यहाँ पे हम सारे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक। अब मसालों को हम शलगम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून पानी। ऐसा करने से मसाले जलते नहीं हैं। और साथ में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और हम इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को शलगम के साथ भून लेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए 1 कप टमाटर। आप चाहें तो टमाटर की जगह आप टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसी के साथ मैं 1/2 कप पानी भी डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने सिर्फ 1/2 कप ही पानी डाला है। आप चाहें यहाँ पे पानी की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, इससे आपकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी। अब 12 मिनट के लिए कवर लगा देंगे और फ्लेम को भी हम मीडियम पे रखेंगे। सब्जी में हमने पानी ऐड किया है तो शलगम का भी अपना पानी होता है। ये सब्जी इसी में ही पककर तैयार हो जाती है। अब 12 से 13 मिनट हो गए हैं तो हम सब्जी को देख लेते हैं और ये चेक करते हैं कि शलगम गले हैं या नहीं। ये देखिए, शलगम तो गल गए हैं। अब हम एक बार चाकू की मदद से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, शलगम बिल्कुल गल चुके हैं, तो हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में कटा हुआ धनिया और सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, अब सब्जी बनके रेडी है। तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसका पानी सूख चुका है। अगर आप इसे ग्रेवी वाली भी सब्जी बनाएंगे तो भी ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। काफ़ी लोग इस सब्जी को रूखा खाना पसंद करते हैं। आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।